हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल बादल सर क्लासेस। सो आज स्टार्ट कर नवम श्रेणी अर्धवार्षिक अर्थात हाफ एग्जाम निम्ते इतिहास भूगोल सब्जेक्ट प्रश्नपत्र आलोचना करवा पूर्व चैनल जो मैंने भी नुआ अच्छा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर रखु और पाखे बेल आइकन दबे ऑल नोटिफिकेशन ने प्रेस कर दिंतु तद्वारा कौन हम ना जिते बड़े मुझे भिडियोटी अपलोड करी तुम निकट में सर्वप्रथमें नोटिफिकेशन टी पहुँच बुझे। सो डेरी नक भिडियोटी को स्टार्ट करवा। देखो एक नंबर क्वेश्चन कौन निम्न प्रश्नर उत्तर षाठी गोटी शब्द मध्य दि करे कौन प्रथम विश्वयुद्ध महिला मान जीवन कि पर आनी प्रथम विश्वयुद्धटा महिला मान जीवन में कि पर आनी किंबा उपनिवेशवाद फल उपनिवेश कृषि और शिल्प किपर प्रभावित होता खरे कहे भर्साई सन्धिर कठोरता द्वितीय विश्वयुद्धर मुख्य कारण किपर होता भर्साई सन्धिर कठोरताटा द्वितीय विश्वयुद्धर मुख्य कारण किपर होता किंबा वर्ण विद्वेष नीति क्या कहुए वर्ण विद्वेष नीति क्या कहुए यार परिसमाप्ति किपर घटी। ओके एबे आस दुई नंबर क्वेश्चन जीवा निम्न प्रश्न गुड़िकर उत्तर तीस कोटी शब्द मध्य दि करे कौन कार्ल मार्क्स क्या सहित मिसी और केबे कम्युनिस्ट मैनिफेस्ट पुस्तक रचना करते पुस्तक से क्यों संघर्ष विषय आलोचना कार्ल मार्क्स क्या सहित मिसी आउ केबे कम्युनिस्ट मैनिफेस्ट पुस्तक रचना करते पुस्तक से क्यों संघर्ष विषय आलोचना कर किंबा मैंडेट व्यवस्था कौन यही व्यवस्था जातिसंघ कहीं ग्रहण करता मैंडेट व्यवस्था कौन यही व्यवस्था जातिसंघ कहीं ग्रहण करता खरे कौच मे कैम पुस्तक रचयिता किए ए पुस्तक कौन उल्लेख अच्छे मे कैम पुस्तक रचयिता किए ए पुस्तक कौन उल्लेख अच्छे किंबा आफ्रिका वर्ष क्यों वर्ष को कहीं कहुए यह वर्ष स्वाधीन होता चारोटी देशर नाम लेख आफ्रिका वर्ष क्यों वर्ष को कहीं कहुए यही वर्ष स्वाधीन होता चारोटी देशर नाम लेख। ग नंबर क्वेश्चन जीवा भारत में प्रथम मानवाधिकार सूचना आईन केबे प्रणयन करागला यहाँ किपर कार्यकारी करा केबे प्रणयन करागला किपर कार्यकारी डिटेल्स भाव लिख जोटा कि पांच मार्क पड़ू किंबा मौलिक अधिकार गुड़िक भारतीय संविधान रो केऊ भाग ओ केऊ धारा गुड़िक वर्णित होइछि आम संविधान प्रणेता माने एथि निमन्ते केऊ आईन द्वारा मध्ये प्रभावित होइतिले ताको टिके विस्तृत भाबरे आलोचना करिवो तीन मार्क के तीनटा पड़ुछि नौ मार्क बुझि पारुछ। तापरे कहुछि कोन ना फ्रांकफर्ट संधि केबे स्वाक्षरित होइतिला आउ एही संधि अनुसार फ्रांस केउ दुईटी प्रदेश जर्मनी को हस्तांतर करथला फ्रांकफर्ट संधि केबे स्वाक्षरित होइथला एही संधि अनुसार फ्रांस केउ दुईटी प्रदेश जर्मनी को हस्तांतर करथला किंबा मुक्तिदाता जार काहाकु कहाचे ओ काहेकि मुक्तिदाता जार काहाकु कहाचे ओ काहेकि खरे कहे बोएर के कहला से माने क्यों दुईट राज्य स्थापन करते बोएर के कहला से माने क्यों दुईट राज्य स्थापन करते किंबा रूस नाम यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स केबे होइतला रूस नाम यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स केबे होइतला यह पूर्व 1918 मसीह यार नाम कौन थी गौरे आसवा अफिम युद्ध में किए परास्त होते क्षतिपूरण बाबद को इंग्लैंड कौन पाई अफिम युद्ध में किए परास्त होते क्षतिपूरण बाबद को इंग्लैंड कौन पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा बुझिपार तो कौच अफिम युद्ध में किए परास्त होता क्षतिपूरण बाबद को इंग्लैंड कौन पाई किंबा सर्बिया प्रधान व्यवसाय कौन थी यह किपर बाधाप्राप्त होता सर्बिया प्रधान व्यवसाय कौन थी यह किपर बाधाप्राप्त होता। घ नंबर क्वेश्चन जीवा आम देश में सूचना अधिकार आईन प्रणीत होगा पूर्व क्यों दुईट राज्य केठारे यही आईन प्रणयन करम देश में सूचना अधिकार आईन प्रणीत होगा पूर्व क्यों दुईट राज्य केठारे यही आईन प्रणयन करवा वर्तमान भारत में कतोटी मौलिक कर्तव्य रही शेष कर्तव्यटी के
ଓ କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ବଳରେ ଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ କେତୋଟି ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ଆଉ ଶେଷ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟି କେବେ ଓ କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ବଳରେ ଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆସିବା ଭୂଗୋଳ ପାଠ କହୁଛି, ଭାରତର ଅବସ୍ଥିତି ଆକାର ଓ ଆୟତନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କର। ଭାରତର ଅବସ୍ଥିତି ଆକାର ଓ ଆୟତନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କର, କିମ୍ବା ହିମାଚଳର ଅବସ୍ଥିତି ବିସ୍ତୃତି ଓ ଭୂପ୍ରକୃତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖ। ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ଭୂମିକମ୍ପ କ'ଣ, ଏହା କିପରି ସଂଗଠିତ ହୁଏ ଓ ଭୂମିକମ୍ପ ସମୟରେ କି ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଇପାରିବ ବର୍ଣ୍ଣନା କର, କିମ୍ବା ବିପତ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବିପତ୍ତିର ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ, ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ କ'ଣ, କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ଅବସ୍ଥିତି ଓ ବିସ୍ତୃତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ କ'ଣ, କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ଅବସ୍ଥିତି ଓ ବିସ୍ତୃତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଖ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଦିଅ, ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ କିମ୍ବା ଜଳ ବିଭୀଷିକା, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଗୋଟେ ଦିଅ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିବା, ବୃକ୍ଷାକୃତି ନଦୀ ବିନ୍ୟାସ ଓ ଛତ୍ରାକୃତି ନଦୀ ବିନ୍ୟାସ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇବ। ବୃକ୍ଷାକୃତି ନଦୀ ବିନ୍ୟାସ ଓ ଛତ୍ରାକୃତି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇବ, କିମ୍ବା ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ପଶ୍ଚିମ ବାହିନୀ ନଦୀ ଓ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ପୂର୍ବ ବାହିନୀ ନଦୀ, ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ପଶ୍ଚିମ ବାହିନୀ ନଦୀ ଆଉ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ପୂର୍ବ ବାହିନୀ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ତାପରେ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ, ଭାରତ ମହାସାଗରର ନାମକରଣ ଆମ ଦେଶ ନାମ ଅନୁସାରେ ଯଥାର୍ଥ ହୋଇଛି। ଭାରତ ମହାସାଗରର ନାମକରଣଟା ଆମ ଦେଶ ନାମ ଅନୁସାରେ ହେବା ଯଥାର୍ଥ ହୋଇଛି, କିମ୍ବା ଭାରତର ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଯଥାକ୍ରମେ 2 ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟବଧାନ ଥାଏ, ମାତ୍ର ଘଣ୍ଟାରେ ସମାନ ଥାଏ। ଭାରତର ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଯଥାକ୍ରମେ 2 ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟବଧାନ ଥାଏ, ମାତ୍ର ଘଣ୍ଟାରେ ସମୟ ଥାଏ। ଏତିକି ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କର, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଏବଂ ମୋଷ୍ଟଲି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ ମଧ୍ୟ କରିନିଅ, ଏବଂ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।